हेलो भाइयों, मैं अरमान। तो भाई सामने अपने खड़ा है फार्म ट्रैंक 45 और मैं खड़ा हूँ श्री राम मोटर्स फार्म ट्रैक की डीलरशिप है बड़नगर में। बेटर डील्स के लिए आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इनके कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कोई भाई अगर बड़नगर के आसपास से वीडियो देख रहा है और उसको फार्म ट्रैक का ट्रैक्टर बुक करवाना है तो इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो भाई फार्म ट्रैक 45 अपने सामने खड़ा है, पावर मैक्स, सुपर मैक्स और पावर मैक्स दो वेरियंट इसमें आते हैं। ये वाला जो है पावर मैक्स है, जो कि ये टॉप वेरिएंट इसे आप बोल सकते हो। ब्लू कलर में जो फार्म ट्रैक के ट्रैक्टर्स आते हैं और काफ़ी जो है प्यारा जो ट्रैक्टर लग रहा है। और इसके क्या कुछ फीचर्स इसमें मिल जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं इसके प्राइस। इसका है 7.5 लाख रुपये ऑन रोड। 7.5 लाख रुपये में भी जो आपको 50 HP का ट्रैक्टर मिलने वाला है। अभी कई भाई बोलेंगे भाई ये तो 45 वाला है, तो भाई नाम इसका 45 है लेकिन जो इसमें आपको पावर 50 HP की मिलती है। और भी इसमें फीचर्स में जो आपको बताने वाला हूँ। करते हैं इसका रिव्यू। तो ऐसी कुछ जो इसमें की देखने को मिलेगी, ठीक है। और फ्रंट से अगर इसके बात करें तो एयर क्लीनर आपको जो ऊपर में देखने को मिल जाएगा और उसके नीचे जो आपको यहाँ पर फार्म ट्रैक की बेजिंग देखने को मिल जाएगी। नीचे पावर मैक्स की बेजिंग, यहाँ पर सिल्वर फिनिश दी गई है, 45 की बेजिंग यहाँ पर दी गई है। फ्रंट में जो इसकी ग्रिल मिलने वाली है ब्लैक कलर में, और जो कंपनी फिटेड जो इसमें आपको काफ़ी हैवी बम्पर मिलने वाला है। काफ़ी जो बढ़िया चीज़ें हो जाती है, कंपनी फिटेड बम्पर इसमें आपको मिलने वाला है। यहाँ पर टोइंग हुक मिल जाएगा और जो है काफ़ी हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल मिलने वाला है एडजस्टेबल, और डुअल सिलेंडर जो आपको डुअल एक्टिव पावर स्टेयरिंग जो इसमें मिलने वाला है। दोनों साइड से जो अपना मतलब पावर वाला जो होता है वो वाला स्टेयरिंग जो इसमें आपको मिलने वाला है। लाइट्स की अगर बात करें फ्रंट के, तो बॉडी कलर जो लाइट मिलने वाले हैं, LED की सराउंडिंग मिलने वाली है, बीच में जो हेलोजन बल्ब मिलने वाला है जो कि काफ़ी बढ़िया आपको जो है लाइटिंग मिलने वाली है इस ट्रैक्टर में। और भाई फार्म ट्रैक के ट्रैक्टर में सबसे पहले जो है ना ये वाली लाइट्स आई थी, और उनके बाद जो है काफ़ी ये मार्केट में बिकने लगी और काफ़ी लोग जो है दूसरे ट्रैक्टर्स में मॉडिफाई करने लगे। फार्म ट्रैक के ट्रैक्टर्स में आपको जो लाइट्स वगैरह ये काफ़ी बढ़िया जो मिलने वाली है। बात करें इसके साइड प्रोफाइल से, तो ऐसी कुछ जो ट्रैक्टर की साइड प्रोफाइल होने वाली है। सबसे पहले बात करें इसके फ्रंट के टायर्स से, तो भाई जो इसमें आपको 7/50/16 के फ्रंट टायर मिलने वाले हैं। यहाँ पर 45 की बेजिंग मिल जाती है, यहाँ पर फार्म ट्रैक की बेजिंग, नीचे अगेन पावर मैक्स की बेजिंग, यहाँ पर EPI की बेजिंग और नीचे क्लासिक प्रो की बेजिंग मिल जाती है। साइड में जो इसका साइलेंसर दिया गया है और साइलेंसर गार्ड यहाँ पर मिल जाता है हॉट, जिस पर लिखा हुआ है। और 45 HP का जो इसमें आपको 50 HP का जो इसमें आपको इंजन देखने को मिलने वाला है, जो काफ़ी बढ़िया पावर वगैरह निकालता है। यहाँ पर फ्यूल फिलर कैप मिल जाएगा, और ये देख रहे हो भाई यहाँ पर केयर 20X7, मतलब भाई इसके अंदर जो आपको बोनेट के अंदर केयर बटन मिल जाता है, इससे आप मतलब ट्रैक्टर अगर आपका कहीं भी बंद हो जाता है तो आप उसको प्रेस करके जो है कंपनी से डायरेक्ट बात कर सकते हो। वो इसका इंजन व्यू भी मैं आपको जो है दिखाने वाला हूँ, बने रहना वीडियो में। फुटरेस्ट जो इसमें मिल जाते हैं ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ने के लिए, प्लेटफॉर्म तो नहीं मिलता है लेकिन जो है आपको काफ़ी बढ़िया इसमें प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। ऐसी कुछ जो इसमें आपको इसकी टर्निंग लाइट्स मिल जाती हैं जो काफ़ी बढ़िया लगती है। फार्म ट्रैक के ट्रैक्टर से जो इस लाइट का ट्रेंड चला था, काफ़ी हैवी ड्यूटी जो इसमें आपको बम्पर्स मिलने वाले हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें ना भाई, तो फार्म ट्रैक के ट्रैक्टर्स में आपको काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मिलती है बाकी ट्रैक्टर्स के मुकाबले। रियर टायर्स की अगर बात करें तो भाई रियर में मिलने वाला है आपको 14/9/28 के टायर्स, और कस्टमर की डिमांड पर जो है 16 के टायर्स भी कंपनी लगा कर देगी और 14 के टायर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। टायर में जो है ब्लैक प्लेट मिल जाती है, जिससे जो है लुक काफ़ी बढ़िया हो जाता है। ऊपर जो है यहाँ पर एक गार्ड मिल जाता है ट्रैक्टर के रियर प्रोफाइल से, तो यहाँ पर इसकी टेल लैंप्स दी गई हैं, और ये देख रहे हो भाई 5 साल की जो है आपको इसमें वारंटी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर टूल्स बॉक्स दिया गया है, अपना सामान वगैरह आप यहाँ पर जो है रख सकते हो। यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया गया है, यहाँ पर आप बोल्टर होल्डर है, और ये जो है कंपनी स्टॉपलिंग पोटलिंग वगैरह जो भी है ट्रैक्टर से अटैच करने के लिए वो कंपनी लगा कर देने वाली है। यहाँ पर पीछे अगर आप लाइट वगैरह ट्रॉली वगैरह में कुछ भी अपना लगाते हो तो यहाँ से आप जो है पावर ले सकते हो। सेंसिंग यहाँ पर दी गई है, काफ़ी बढ़िया सेंसिंग जो है इस ट्रैक्टर में आपको मिलने वाली है। डुअल डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं, काफ़ी हैवी जो इसके रियर का जो है आपको एक्सल मिलने वाला है, काफ़ी हैवी ड्यूटी एक्सल रियर में मिल जाएगा। और जो भाई इसमें आपको मिल जाती है 540 HP की PTO पावर, और इसमें एक और PTO आपको मिलती है EPI का सिस्टम, जैसे अपनी जिस ट्रैक्टर
जिस गियर में ट्रैक्टर चलेगा जिस स्पीड में आप उसी स्पीड में जो है आप इसकी पीटीओ भी चला सकते हो। यहाँ पर रियर का लैंप मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लेट नंबर के लिए लैंप भी दिया गया है। तो ये बात हो गई ट्रैक्टर के रियर की। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और इंटीरियर पे देखते हैं भाई इसमें ऊपर क्या क्या फीचर मिल जाते हैं। वो चढ़ते हैं ऊपर। डिलक्स टाइप की जो आपको इसमें सीट मिलने वाली, काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिल जाएगी इसमें आपको। बैठते हैं इसके ऊपर। तो ऐसा कुछ जो है ट्रैक्टर का व्यू आने वाला है। गियर की बात करें तो इधर हाई लो का जो आपको गियर देखने को मिल जाएगा। इस साइड की अगर बात करें तो भाई यहाँ पर किसी रीजन से गियर नॉब निकला हुआ है, लेकिन जो इसमें आपको 4 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। मीटर की अगर बात करें तो ऐसा कुछ जो इसमें मीटर देखने को मिलेगा, एनालॉग टाइप का जो है इसमें आपको मीटर मिलने वाला है। यहाँ पर अपनी ट्रैक्टर कितने किलोमीटर वो चल चुका वो दिखाएगा, इधर फ्यूल दिखाएगा, इधर ट्रैक्टर हीटिंग दिखाएगा, और ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो दिखने वाली है। यहाँ पर RPM मीटर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। हजार्ड लाइट ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर स्विच दिया गया है। एक बार इसकी की लगाते हैं और देखते हैं, इसके मीटर को ऑन करते हैं। इधर मिल जाता है स्विच लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए, हजार्ड लाइट का स्विच मिल जाएगा। यहाँ से इसके हेडलैम्प्स ऑन कर सकते हो। नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पर इंजन ऑफ करने का स्विच मिल जाएगा। यहाँ से हेडलैम्प वगैरह का जो है ऑन करने का स्विच मिल जाएगा। नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा, USB सॉकेट नीचे मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें हॉर्न मिलने वाला है, ठीक है। और काफ़ी बढ़िया सा जो इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, ये देख रहे हो काफ़ी बढ़िया स्टीयरिंग व्हील है इसका, ठीक। इधर AC DC लीवर्स मिल जाएंगे। और इसका जो बैटरी का बॉक्स है वो वहाँ पर दिया गया है। और ये इसका मिरर, ठीक है। चलते हैं नीचे और इसका लुक मैं आपको दिखाता हूँ कि हेडलैम्प जलती हुई कैसी लगती है। वो ऐसी कुछ जो है इसकी LED लाइट्स जलती हुई लगती है सामने से, उसको कर देते हैं ऑफ। अभी करते हैं ट्रैक्टर को स्टार्ट और इसका साउंड सुनते हैं कैसा कुछ इसमें आपको जो है साउंड देखने को मिलता है। देख रहे हो फार्मर ट्रैक्टर्स की ना, मुझे यही काफ़ी बढ़िया चीज़ लगती है, इनका साउंड काफ़ी बढ़िया जो है मिलता है। ऑफ कर देते हैं इसकी की को। इसके इंजन व्यू में आपको दिखा देता हूँ। डॉल हाइड्रोलिक्स जो है इसमें मिल जाते हैं, काफ़ी इजीली जो इसका हुड ओपन हो जाता है। सिंगल बोनेट के साथ में जो ट्रैक्टर आता है ये चीज़ काफ़ी बढ़िया हो जाती है। ऐसा कुछ जो इसमें इंजन आपको देखने को मिलता है, इंजन की प्लेसमेंट आप लोग यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर कूलेंट वगैरह आपको मिल जाएगा, फ्रंट में रेडिएटर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और जिसका यहाँ पर एयर क्लीनर मिलने वाला है, ठीक है। और गियर बटन तो थोड़ा शोर शराब हो रहा है रोड की साइड पर, थोड़ा उस चीज़ को इग्नोर करना। यहाँ पर गियर बटन मिल जाता है भाई आपको, जैसा कि मैंने बताया था गियर 24x7, मतलब भाई 24 घंटे आप इनमें कभी भी आपका ट्रैक्टर खेत वगैरह में कहीं भी बंद होता है तो आप, या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इन्हें यहाँ से भाई जो केयर बटन से यहाँ पर आप बटन प्रेस करके जैसे ही रखोगे तो जो कंपनी आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगी और जो भी दिक्कत होगी वो आपकी सही करके देने वाली है, ठीक है। यहाँ पर जो है बॉस का आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलने वाला है, जो तो काफ़ी सालों से चलता हुआ आ रहा है और काफ़ी बढ़िया जो है माना जाता है। यहाँ पर फ्यूल टैंक जो इसका देखने को मिल जाएगा, और इसका जो बैटरी बॉक्स है वो यहाँ पर नीचे दिया गया है।
ये चीज़ काफ़ी बढ़िया हो जाती है। फार्मा ट्रैक का 45 पावर मैक्स कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।